अगर आज आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो प्रोसेस काफी आसान है। आप किसी भी बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कुछ ही समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी देश में। ये सब पॉसिबल होता है स्विफ्ट की मदद से। स्विफ्ट एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया के 200 देश और 11,000 बैंक्स को जोड़ता है। 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हर दिन स्विफ्ट ने हैंडल किए हैं। कहने जाए तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली इसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन कंट्रोल करते हैं। आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर स्विफ्ट की मोनोपोली चलती है। जब भी कोई देश वेस्टर्न आइडियाज को चैलेंज करता है तभी उसे स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे उन कंट्रीज के इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मार्च 2012 में यूएस ने ईरान के साथ यही किया। इसके वजह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स आधे से भी कम हो गए। नॉर्थ कोरिया भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यूएस है तो डेमोक्रेसी, लेकिन आज अमेरिका इतना पावरफुल बन गया है कि दुनिया में एक बुली जैसे बिहेव करता है। क्या सही क्या गलत खुद डिक्टेट करता है। इट्स सो आयरोनिक।